नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मोबाइल में गेम खेलने को लेकर एक गांव रण क्षेत्र बदल गया। आगजनी, गोली बमबारी के साथ मारपीट भी हुई। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फ्री फायर गेम खेलने को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर बमबाजी और गोलीबारी भी की। साथ ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे पक्षों के मकानों, दुकानों सहित वाहनों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की। इस घटना में किसी के हाथ कटे तो किसी के पैर। इलाके में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। मिलेगा जो बुजुर्ग शिल्पी संकट हो जाएंगे उनको पेंशन मिलेगी, उन सब लोगों को वाद्य यंत्र देने का काम ये राज्य सरकार करेगी जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। और इसलिए आप सबसे निवेदन है, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप सब भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, इस प्रदेश को धार्मिक प्रदेश, इस प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध प्रदेश, इस प्रदेश को महिलाओं को सम्मान दिलाने वाला प्रदेश, इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने वाला प्रदेश हम बनाएंगे। बोलिए भारत माता की, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। धन्यवाद जी, बहुत। कृष्ण हरे रामा, हरे
हरे कृष्ण हरे रामा, हरे कृष्ण हरे रामा, हरे कृष्ण हरे रामा, हरे कृष्ण हरे रामा, गोविंद बोलो हरि गोपाल। ₹10,000 करोड़ अभी तक बंगाल का केंद्र के पास है। ममता जी अगर किसानों की लिस्ट दे दें तो भी उनके खाते में जमा हो सकते हैं, पर ममता जी के अहंकार के कारण लोगों को लगा तमंडा होने लगा। शिल्पी समाज को हम पेंशन देना चाहते हैं, पर राज्य सरकार का अथोराइजेशन चाहिए। राज्य सरकार अथोराइजेशन नहीं दे रही, इसलिए सीधे प्रधानमंत्री जी ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे खुद वेरीफाई करें और किसानों को पेंशन, शिल्पी समाज के लोगों को जो 70+ के हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको पेंशन देने का काम करें। मुझे बहुत गर्व है देश के पार्किंग थेके गाड़ी दियो पटेल जी ने आस्ते आस्ते अभी बाहर कर दो व्यवस्था करो माइक बंद करते बोलो कराया उन्हें पेंशन चालू कर दी। आने वाले समय में शिल्पी समाज के वे सब सीनियर सिटीजन जो गा नहीं सकते बजा नहीं सकते उनको केंद्र सरकार पेंशन देने की व्यवस्था करे। पलट जी कोई भी स्कीम हो यहाँ पे बंगाल में अलग ही नाम पे सुना जाता है, वही नाम जो दीदी वो अपना जो प्रकल्प है वो घोषणा करता है। जैसे कि घर घर सरकार, वो दीदी खुद बताए कि दुआरे दुआरे सरकार होगा, भाजपा का कॉपी करके सब कुछ। देखिए प्रधानमंत्री की ये योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री केंद्र से पैसा आता है, दीदी ने उसको अपने नाम से करके और आवास योजना प्रारंभ किया। केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी अपनी सरकार के नाम से ट्रांसफर करके और जनता के बीच में ये बताना कि दीदी कर रही है, करे हमें उससे कोई शिकायत नहीं, पर कम से कम केंद्र सरकार का तो नाम लें। दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार जो सहयोग करती है, मुझे कहने में बहुत अफसोस है कि कोविड जैसी महामारी के लिए केंद्र सरकार ने पैसा दिया, उस पैसे का दुरुपयोग किया, खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ, उसमें महामहिम गवर्नर ने भी आपत्ति ली है। अल्फान का तूफान का पैसा आया, 1,000 करोड़ रुपए दिया, 1,000 करोड़ रुपए का आज तक हिसाब तक नहीं दिया। उनके केंद्र सरकार जो पैसा दे रही है उसका दुरुपयोग कर रही है ममता जी, आम आदमी तक पहुँच नहीं रहा, और इसलिए पूरे बंगाल के अंदर ममता जी के खिलाफ गुस्सा है। उसका सीधा आप मूर्त रूप यहाँ पर देख सकते हैं, जो शिल्पी समाज के एक जिले के लोग हैं, ममता जी के खिलाफ गुस्सा है और मोदी जी के समर्थन में पलट जी। बैनर